हेलो प्यारे बच्चों, बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है बेटा। मैंने एक असाइनमेंट भी आपके पास फॉरवर्ड किया है जिसमें कंप्लीट मोशन के न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू, सभी क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व है। लगभग 80 क्वेश्चंस उसमें हैं। आपने उसमें से वो क्वेश्चंस करने हैं जो टॉपिक आपके करवा दिए गए हैं, ठीक है, और जो नहीं करवाए हैं उनको आपने अभी छोड़ देना है, क्योंकि मैं बार बार अगर आपके पास भेजता तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने कंप्लीट असाइनमेंट बनाकर भेज दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसमें जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप कर लेना, नहीं आते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। आपको ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे कॉन्टैक्ट करें, तो बेटा सुनो ध्यान से, मैं आज अपनी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। जो वीडियो देख रहा होगा उसमें पता चल जाएगा, जो नहीं देख रहा उसको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 9466667068 बेटा ये मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, आप फोटो क्लिक कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना, आप नेम और सेक्शन दोनों चीज़ भेजिए साथ साथ, कौन से सेक्शन से हैं आप और आपका नेम क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि आपके काम करने ना करने, तो बेटा मुझे लग रहा है कि किसी के कोई डाउट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप लोग काम नहीं कर रहे। एक दो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कॉल करके, डाउट ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप कंटिन्यू काम कीजिए, ठीक है। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए। इतना सिलेबस हम नहीं करवाते, धीरे धीरे सिलेबस चल रहा है आपका, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, जितना असाइनमेंट आपको दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सभी अपने खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आप बता दो, इसका सॉल्यूशन भेज दो, मैं आपको सॉल्यूशन हैंड टू हैंड भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, और एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन हमने डेफिनेशन जो दी थी वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम उसी को देखते हैं, उसकी यूनिट हमने पढ़ी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक अदर यूनिट जो होती है वो एक्सेलरेशन की होती है बेटा किलोमीटर, देखो मीटर थी सेंटीमीटर थी, तो मीटर सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर, और सेकंड की जगह क्या आ गया, आवर माइनस टू पावर आ गई, सेकंड माइनस टू होता है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आवर माइनस टू पावर हो गई। तो ये अदर यूनिट भी होती है जो व्हीकल्स वगैरह में हम यूज करेंगे, ओके। अब एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन आपके पास था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वी माइनस यू, चेंज इन टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम टी टू माइनस टी वन, यही होता है भाई, चेंज इन टाइम टी टू माइनस टी वन, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमने इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखा है, और हमेशा फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को आप यू ही नोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब वी माइनस यू मींस क्या है, चेंज है किसमें, वेलोसिटी में, तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो साइन आता है वो डेल साइन आता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा वी मींस क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन टाइम, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये आपका अदर फॉर्मूला हो गया। ये ध्यान रखना, वेक्टर साइन जरूर लगाना, दोनों साइड वेक्टर होना चाहिए, एक साइड वेक्टर नहीं होना चाहिए, वो गलत होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की। तो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, तो बार बार वही बातें चलेगी कॉन्टिन्यू में, ठीक है। इसलिए मैं पहले बोल रहा था कि आप एक चीज़ को समझ लीजिए, आप एक वीडियो को बीच में ड्रॉप करोगे तो आपको नुकसान होगा, आप धीरे धीरे सभी को देखिए। और देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब आपको ये पता है कि कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, जब एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी आ रही है तो इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय
इक्वल अमाउंट ऑन बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म कहलाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया, आपके पास जो चीज़ गिवन है उसी से आप निकाल सकते हैं। ये बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी की, ठीक है, ये आप समझ जाओगे। देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में मैंने बता रहा कि कोई ना कोई एक चीज़ क्या होगी, अनइक्वल होगी, या तो वेलोसिटी अनइक्वल हो, या आपके पास टाइम अनइक्वल हो, या आपके पास दोनों ही अनइक्वल हो, तो भी आपके पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए अनइक्वल अमाउंट आ गया यहाँ पर, अनइक्वल अमाउंट आ गया ना, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ दोनों क्या चीजें थी, यहाँ पर आपके पास इक्वल अमाउंट था और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, लेकिन यहाँ पर आपके पास अनइक्वल आ गया, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ये कह सकते हैं इक्वल अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। एग्जांपल, एक कार मूविंग ऑन ए रोड, जब गाड़ी रोड पर चल रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं चलेगी, वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी, और जब इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगी, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल सेंटर, देखिए सेंटर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन कोई भी बॉडी सेंटर की तरफ लगाए उसको क्या बोलेंगे, उसको हम सेंट्रीपिटल बोलेंगे, ये ध्यान रखना। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर पाथ होगा आपके पास, ये एक सर्कुलर पाथ है बेटा, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, यहां कोई एक बॉडी है, यहां ये एक कोई बॉडी है, ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेशन लगाएगी कब, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेशन लगाएगी, ये बॉडी यहां पहुंचेगी इस सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगाएगी, ये बॉडी यहां पहुंचेगी इस साइड एक्सेलरेशन लगाएगी, ये यहां पहुंचेगी इस साइड एक्सेलरेशन लगाएगी, ये बॉडी यहां पहुंचेगी इस साइड एक्सेलरेशन लगाएगी, ये सेंटर है यहां पर इस सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगा रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेशन लगा रहे तो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखिए अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, और अल्फा क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, अल्फा क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखने के लिए मैंने लिख रखा है, बस कोई खास यूज नहीं है इसका, यूज सर्कुलर मोशन में आएगा, जब इसके बाद हम सर्कुलर मोशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें सर्कल के जितने भी एक्सेलरेशन होते हैं चार प्रकार के होते हैं वो हम चारों ये वहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब तो मैंने वैसे ही बता दिया, अब देखिए इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म था। अब आपके पास फॉर्मूला यूज कौन कौन सा होगा, वे ध्यान से देखिए, फॉर्मूला यूज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, मैं बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, ध्यान रखना इन पर वेक्टर साइन नहीं लगा रखा मैंने, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, आप इसको सोल्व करेंगे यहां से देखिए ए टी और प्लस यू, तो यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी आ गया, तो ये फॉर्मूला एक यूज होगा, एक फॉर्मूला ये यूज होगा आपके पास न्यूमेरिकल्स के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जो सीबीएसई में आया हुआ है, अच्छा न्यूमेरिकल है, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल आपको करने के लिए देंगे, आपको आंसर बताना है, ठीक है, लेकिन आप काम नहीं करें बहुत ही दुखद है,
आप बेटा काम कीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो देखिए क्या है, ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, कह रहा है एक ड्राइवर है अप्लाई करता है ब्रेक्स को, एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ ए बस, कह रहा है कि स्लो डाउन वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कह रहा है कि एक बस की स्पीड है आपके पास, सुना ध्यान से क्वेश्चन, एक बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो, और ड्राइवर जो है उस बस का वो ब्रेक लगा रहा है, और ब्रेक लगाने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डिक्रीज होगी तो आपको पता है स्लो डाउन हो जाएगी। कोई भी गाड़ी चल रही है और आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, वहाँ पर आपके पास बेटा क्या होगी, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो डिक्रीज हो रही है, वो स्लो डाउन हो रही है हर एक 5 सेकेंड में, कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास गिवन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बस निकालिए। ओके, निकालते हैं आंसर क्या होगा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है बेटा, न्यूमेरिकल बार बार में इसलिए करवा रहे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके पास सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ 80 किलोमीटर है पर आवर, ये इनिशियल है ना भाई। ब्रेक लगने से पहले बस कितनी स्पीड से चल रही थी, 80 किलोमीटर आपको आराम से, ब्रेक लगने के बाद कितनी पे चल रही है, 60 किलोमीटर। बाद वाली को क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं। शुरू वाली को क्या बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं। इनिशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से करते हैं। फाइनल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वी से करते हैं। ये एक बार बता दिया गया है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देख रहे हैं, वरना इतना टाइम नहीं लगता बेटा टॉपिक को करवाने। तो देखिए अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, यही है बेटा। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो 80 इंटू किससे कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5/80 मीटर पर सेकेंड, यही होगी ना। ये आपके पास जब आप बेटा इसको सोल्व करेंगे, जब आप सोल्व करेंगे 80 बेटा जब किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। ये मैंने समझा चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियो में, मैंने कैलकुलेट करना निकाल कर भी बकायदा मैंने दिखाया था कि कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू कैसे आई है ये मैंने पहले करके दिखा दिए, आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर आपके पास बेटा जो वैल्यू आएगी वो 22.22 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी, ये आप सोल्व करें। ओके, अब आपके पास क्या है, आपके पास है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल आ गया, फाइनल वेलोसिटी वी क्या होगी आपके पास, 60 किलोमीटर पर आवर है गिवन, तो 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आपके पास वैल्यू आएगी 16.67 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। टाइम बेटा जैसे मैं नोट कर रहा हूँ ना वैसे ही नोट करना है आप लोगों को, टाइम 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया ऊपर, इसीलिए टाइम 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, v − u/t, तो a क्या हो गया 22.22 − 16.67/5, यही आएगा।
मीटर पर सेकंड होगा ये और ये सेकंड होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, नहीं सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड कैंसिल नहीं होगा बेटा, नहीं नहीं कैंसिल नहीं होगा। देखिए मीटर पर सेकंड ये है और ये आएगा सेकंड, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये सेकंड माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर सेकंड माइनस टू आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए सेकंड सेकंड बेटा सुनिए ध्यान से, ये आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है ये वाला है, तो फाइनल ये वाला है माइनस इनिशियल, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करना है, वी माइनस यू करना है। तो आपको लिखना है, देखिए ध्यान से आपको सीधा लिख लेना वी माइनस यू, तो वी और माइनस यू ये आएगा, माइनस का यू आएगा और प्लस का वी आएगा, तो ये प्लस का आ गया और ये माइनस का आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5.55 अपॉन 5, ये मीटर माइनस टू आ जाएगा, यूनिट तो छोड़िए आप, ये आ गया। अब जब इसको कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी माइनस 1.11 मीटर सेकंड माइनस टू, ये आपके पास फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास आया है। अब सर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब आपके पास वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यही मतलब हुआ ना बेटा, डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप डेफिनेशन देखिए प्रीवियस लेक्चर में कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यही कहती है प्रीवियस लेक्चर में आपके पास कि जो एक्सेलरेशन है वो जो डिक्रीज हो जाए जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब आपके पास देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई का है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से, मतलब जीरो से शुरू होती है एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड। कह रहा है कि एक कार जीरो से स्टार्ट होती है, रेस्ट से शुरू होती है, मतलब खड़ी है ये समझिए, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर लेती है वेलोसिटी, कितनी सेकंड में, 40 सेकंड में। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक को एंड स्लो डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। कह रहा है कि जो उसके बाद फिर ब्रेक लगा लेता है और ब्रेक लगाने के बाद वो स्लो डाउन हो जाती है कार, कितना, 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब बेटा दो क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन करना है, समझिए ध्यान से आंसर क्या होगा। फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट केस पहले स्टार्ट करते हैं, यहां तक, कहां तक, यहां तक बस। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से शुरू होती है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो, मैं बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं u जीरो, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो, फाइनल v कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम t 40 सेकेंड। a बताइए, a आपके पास क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है 10 माइनस जीरो अपॉन 40, तो ये 1/4 आ गया मीटर सेकेंड माइनस टू, यही आया फर्स्ट केस का कंप्लीट हो गया आपके पास। इसको कैसे लिखेंगे, 0.25 मीटर सेकंड माइनस टू, यह एक्सेलरेशन आ गया आपके पास फर्स्ट केस का। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में आ गया बताओ, सेकंड केस,
सेकेंड केस में क्या है आपके पास, सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी यू जो है, यू क्या कह रहा है कि आपने बेटा 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही थी गाड़ी और फिर ब्रेक लगाया है और ब्रेक लगाने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने टाइम में, 10 सेकेंड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड है बेटा इस केस में। फाइनल वी जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम टी कितना है, 10 सेकेंड। तो ए कितना आ गया, वी माइनस यू बाई टी, और देखिए 5 माइनस 10 बाई 10, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5 बाई 10 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर सेकेंड माइनस 2, इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया। अब देखिए केस ये सेकेंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है, दोनों में आपके पास क्या आया है, कॉन्क्लूजन ये आया है कि फर्स्ट केस में आपके पास जो कार थी वो एक्सेलरेट हुई है, उसने स्पीड जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हुई है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में थी, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया है, या नेगेटिव आया है इसका मतलब कार रिटार्डेड हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कार रिटार्डेड हुई है, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुई है, तो इसके कारण ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। तो ये CBSE का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है और आंसर मुझे बताना है। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट while moving with uniform acceleration calculate the acceleration of the bus। कह रहा है कि एक बस स्टार्ट होते रेस्ट से अटेन करती है स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट वाइल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, ये आपको निकालना है। ये आपके पास क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट मेरे पास इसका जो है रिजल्ट है फाइंड आउट करके मेरे पास भेजते हैं, ये देखना है व्हाट्सएप पर कितने बच्चों के जो रिप्लाई है वो आता है, ये देखते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।